जोगिंदर शर्मा ने लिया संन्यास, धोनी के साथ डेब्यू करने वाले खिलाड़ी का सब्र जवाब दे गया। वर्ल्ड कप के हीरो ने लिया संन्यास, ब्लू जर्सी को कहा अलविदा, अब सिर्फ खाकी में आएंगे नजर। कई कहानियां उनके किरदारों से बड़ी होती हैं, कई कहानियां बताती हैं कि इंतजार कितना बड़ा होता है, और कई बार इंतजार, वक्त और हालात इंसान की मजबूती की कहानियां बयां करते हैं। आज हम एक ऐसे ही भारतीय खिलाड़ी की बात करेंगे जिन्होंने अपने क्रिकेट करियर से अलविदा कह दिया है। हम बात कर रहे हैं भारतीय क्रिकेटर जोगिंदर शर्मा की। हरियाणा के इस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट को अलविदा कह दिया है। जोगिंदर को लोग उनके वर्ल्ड कप में शानदार गेंदबाजी के लिए याद करते हैं। कैसे साल 2007 में एक अनजान बॉलर ने भारत की झोली में आखिरी ओवर में T20 वर्ल्ड कप डाल दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद भी इस खिलाड़ी ने टीम के लिए सिर्फ 4 वनडे और 4 T20 क्रिकेट मैच खेले। आज जोगिंदर शर्मा 39 साल की उम्र में संन्यास ले चुके हैं, पर 2004 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले इस खिलाड़ी ने 19 साल के करियर में सिर्फ 8 मैच खेले। T20 में उनका करियर सिर्फ 5 दिनों का रहा। 19 सितंबर 2007 को उन्होंने T20 में डेब्यू किया और 24 सितंबर 2007 यानी महज 5 दिनों में ही टीम को वर्ल्ड कप जिता दिया, लेकिन फिर भी इसके बाद उन्हें टीम में कभी दोबारा शामिल नहीं किया गया। आमतौर पर हमारी याददाश्त बहुत छोटी होती है, हम उन्हीं चेहरों को याद करते हैं जो सालों तक दिखाई दें, पर 5 दिन का करियर जो अपनी छाप छोड़ गया, वो खिलाड़ी कितना मजबूत होगा सोचिए जरा। जो सिर्फ 19 साल अपनी बारी का इंतजार करता रहा, 2004 में धोनी और जोगिंदर ने एक ही दिन डेब्यू किया था, उस वक्त गांगुली कप्तान थे। क्रिकेट के जानकार बताते हैं कि गांगुली, द्रविड़, धोनी, विराट, कई कप्तान आए और गए, पर जोगिंदर अपनी बारी का इंतजार ही करते रहे। लेकिन अब उन्होंने भारत की ब्लू जर्सी से उस इंतजार के रिश्ते को खत्म कर दिया और BCCI सचिव जय शाह को एक भावुक चिट्ठी भेज अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। मैं क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर रहा हूँ। मैं उन सभी का धन्यवाद देता हूँ जो हर वक्त मेरे साथ खड़े रहे, मेरा सपोर्ट किया। BCCI, हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन, हरियाणा सरकार, फैंस, परिवार और दोस्त, सभी का शुक्रिया। ब्लू जर्सी नहीं, अब सिर्फ खाकी में आएंगे नजर। जोगिंदर शर्मा को आप भले ही दोबारा टीम इंडिया की ब्लू जर्सी में नहीं देख पाएंगे, लेकिन वो हरियाणा पुलिस की खाकी में आपको आगे भी दिखाई देंगे। मौजूदा वक्त में वो हरियाणा पुलिस में DSP पद पर काम कर रहे हैं और उनकी दबंगई की कई तस्वीरें वक्त वक्त पर अखबारों की सुर्खियां बनती हैं। फिर चाहे कोरोना में लोगों की मदद करना हो या जलेबी बाबा को सलाखों के पीछे डालने की बात हो, वो अक्सर अपनी पुलिस करियर के चलते अखबारों की हेडलाइन में छाए रहते हैं। जोगिंदर का वो ऐतिहासिक आखिरी ओवर, बात 24 सितंबर 2007 की है। वो दिन भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक अद्भुत दिन साबित हुआ। इस दिन साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग के वांडर्स स्टेडियम में पाकिस्तान को धूल चटाकर टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप को पहली बार अपने नाम किया। इसके साथ ही महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम 1983 के बाद किसी विश्व कप खिताब पर कब्जा जमाने में कामयाब हुई। उस फाइनल के आखिरी ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए 13 रन चाहिए थे। कप्तान धोनी ने बिल्कुल नौसिखिए गेंदबाज जोगिंदर शर्मा को गेंद थमा दी। भारतीय फैंस की सांसें मिसबाह उल हक के क्रीज पर होने की वजह से अटक गई थी। हर तरफ सवाल उठने लगे, आखिर जोगिंदर को गेंदबाजी क्यों दी गई? पाकिस्तान को जीतने के लिए उस आखिरी ओवर में 13 रन चाहिए थे। पहली गेंद, जोगिंदर ने पहली गेंद वाइड फेंकी। अगली गेंद जो वाइड के बदले फेंकी गई, मिसबाह चूक गए, रन नहीं बना। दूसरी गेंद, इसके बाद जोगिंदर फुल टॉस फेंक गए, जिस पर मिसबाह ने छक्का जड़कर पाकिस्तानी उम्मीदों को फिर जगा दिया। तीसरी गेंद, इस गेंद ने भारत को झूमने का मौका दिया। मिसबाह ने स्कूप शॉट खेलते हुए गेंद को शॉर्ट फाइन लेग की ओर उछाल दिया, जिसे श्रीसंत ने लपक लिया। यानी इस कैच के साथ ही टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप भी लपक लिया और भारत ने पहला T20 वर्ल्ड कप 5 रनों से जीत लिया। इस ओवर के साथ ही जोगिंदर शर्मा मैच के हीरो बन गए, लेकिन विडंबना देखिए, ये पारी उनकी T20 करियर की आखिरी पारी साबित हुई। धोनी ने बना दी पहचान। धोनी उस दिन अगर जोगिंदर को वो मौका ना देते तो कहानी कुछ और होती, पर जोगिंदर को आज भी धोनी के कहे वो शब्द याद हैं। जोगिंदर के मुताबिक धोनी ने उन पर जुआ खेला और यकीन दिलाया
कि वो कर सकते हैं। अंतिम ओवर से पहले चर्चा यह नहीं थी कि मुझे किस लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करनी चाहिए या मेरी गेंदबाजी की रणनीति क्या होनी चाहिए। माही ने मुझसे कहा कि तुम किसी भी तरह का दबाव मत लो, अगर हम हारते हैं तो यह उनके ऊपर आएगा। यहां तक कि जब मिसबाह ने दूसरी गेंद पर मुझे छक्का लगाया तब भी हम दबाव में नहीं थे। किसी भी समय हमने चर्चा नहीं की कि हमें क्या करने की आवश्यकता है। तीसरी गेंद डालने से ठीक पहले मैंने देखा कि मिसबाह स्कूप खेलने के लिए तैयार हो रहे हैं, इसीलिए मैंने लेंथ में बदलाव किया और धीमी गेंदबाजी की और मिसबाह इसे ठीक से हिट नहीं कर पाए। श्रीसंत ने कैच लपका और बाकी जैसा कि वो कहते हैं कि इतिहास है। धोनी के साथ किया डेब्यू। धोनी और जोगिंदर शर्मा का अंतरराष्ट्रीय करियर एक ही दिन शुरू हुआ। दोनों ने बांग्लादेश के खिलाफ साल 2004 में डेब्यू किया। उस दिन टीम इंडिया के कप्तान सौरभ गांगुली थे। पहले मैच में जहां धोनी कोई रन नहीं बना पाए, वहीं जोगिंदर शर्मा दो गेंद पर 5 रन बनाकर आउट हुए। जोगिंदर ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए 8 ओवर में 28 रन देकर एक विकेट भी चटकाया। फिलहाल जोगिंदर शर्मा का करियर समाप्त हो चुका है और वो एक दिन उनकी जिंदगी का सबसे अहम है, जिसके लिए भारत का क्रिकेट इतिहास उन्हें हमेशा याद रखेगा।